मंडी में जनवादी महिला समिति, भारत की जनवादी नौजवान सभा, SFI ने मिलकर मंडी के शहरी चांदनी में धरना प्रदर्शन किया। धरना यूपी में पिछले दिनों एक दलित लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और उसके बाद पुलिस रिपोर्टर दर्ज ना करना और अस्पताल में सही उपचार ना मिलने के कारण मृत्यु के खिलाफ किया गया। देश में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश में मौजूदा सरकार नारा तो दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर दूसरी तरफ देश में आए दिन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। देश में निर्भया कांड, हैदराबाद में डॉक्टर महिला, हिमाचल में गुड़िया जैसे अनेक मामले अभी देश भूला नहीं है। वहीं यूपी के हथारस की घटना भी दयनीय है। जिस प्रकार प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन का रवैया है और वहां जो हालात हैं वो काफी भयंकर हैं। जनवादी महिला राज्य उपाध्यक्ष जयवंती सहित अन्य लोगों ने इस घटना की निंदा की और सरकार से मांग की कि जिसने भी जुर्म किया है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए तथा सख्त सजा का प्रावधान भी इसके तहत होना चाहिए। राज्य उपाध्यक्ष, ये जो 14 दिसंबर 2020 को 14 सितंबर 2020 को यूपी के हथरस जिले में जो बच्ची जो दलित थी उसको साथ पहले सामूहिक बलात्कार हुआ और 29 सितंबर को उसकी जो मृत्यु हुई है, इस कड़ी में हम प्रदर्शन करना यहाँ पर जिला कमेटी की तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समर्थन में निकले हैं कि उस बेटी को इंसाफ मिले, उसके परिवार को न्याय सुरक्षा मिले और जो दोषी है और योगी सरकार में जो दोषियों को बचाने की जो हसरत भरी प्रयास किया जा रहा है, हम प्रदेश के महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं कि उस परिवार को पहले सुरक्षा दी जाए और उस बेटी को न्याय दिया जाए और जो 4 दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो और ये जो देश के अंदर काला कानून चला है पूरे देश के अंदर, वो यूपी हो, वो हिमाचल हो, वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, कहीं भी इस देश की दलित महिला, आम महिला, बच्चा सुरक्षित नहीं है, तो हमारे देश के महामहिम से राष्ट्रपति से यह अर्ज है कि देश के अंदर कठोर कानून बनाया जाए ताकि इस देश की जो 73 साल की आज़ादी के बाद हमें जीने का जो पूरा अधिकार है वो मिल सके और जो हर जिला स्तर पे हम मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और इसके लिए जो दोषी है चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी भाषा को जानने वाला हो, उसके ऊपर जब तक कड़ा कानून नहीं बनाया जाएगा नहीं तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी ये आशिंग आंदोलन है कि हम मांग कर रहे हैं कि उन 4 दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। अगर उन 4 दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं सुनाई जाएगी तो ये दिन दूर नहीं कि हर घर में, हर गली में ऐसा ही घटनाएं रोज देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। अगर हम बात करें गुड़िया को इंसाफ लाने वाली जो आज प्रदेश में सरकार बैठी है, तो हम उस सरकार से भी ये मांग करते हैं कि गुड़िया केस को भी दोबारा उठाया जाए, तभी हम मानेंगे कि वास्तविकता में जो देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जो खोखला नारा आज हमारे सामने आ रहा है, हम चाहते हैं कि वास्तविकता में अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाना है तो दोषियों को कटघरे में डालो और दो बेटियों को इंसाफ दो, उन महिलाओं को इंसाफ दो, तभी वास्तविकता में वो नारा सिद्ध होगा कि हमारे देश की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारे संविधान के अंदर है कि हर महिला भी उतनी अधिकारी है जितना पुरुष है, तभी होगा जब उन्हें इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं।